गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डू इन इंग्लिश वर्क बुक इन मैरीगोल्ड। ओपन योर बुक, यूनिट वन, चैप्टर वन, अ हैप्पी चाइल्ड। सी दिस पेज, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 5। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू इन दिस बुक योर फर्स्ट क्वेश्चन। रीड एंड मैच द वर्ड्स विथ योर पिक्चर्स। दिस टू वर्ड्स आर गिवन, यू हैव टू मैच विथ देयर पिक्चर्स। BOY, बॉय। सो दिस इज अ बॉय, यू हैव टू मैच द वर्ड विथ द पिक्चर। GIRL, गर्ल। हियर इज अ गर्ल, यू हैव टू मैच द स्पेलिंग ऑफ गर्ल विथ द पिक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर B, टिक राइट द करेक्ट आंसर। द हाउस ऑफ द चाइल्ड इज, हाउस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का घर कैसा था? दैट इज रेड। सो वी पुट राइट हियर। द चाइल्ड सीट्स अंडर द, कहाँ बैठा था? ट्री। सो वी पुट ट्री हियर। Now turn your page. The child hardly ever, what the child hardly ever cry? CRY, cry. वो कभी कभार ही रोता था। Now question C, answer the following. How big is the child's house? The child's house is little and red. बच्चे का घर कैसा था? तो छोटा और रेड कलर का था। इज द चाइल्ड हैप्पी और सैड? द चाइल्ड इज हैप्पी। चाइल्ड खुश था कि दुखी? तो चाइल्ड इज हैप्पी, खुश था। व्हाई डज द चाइल्ड सीट्स अंडर द ट्री? द चाइल्ड सीट्स अंडर द ट्री टू प्ले एंड शेड इटसेल्फ। वो पेड़ के नीचे क्यों बैठा था? वो पेड़ की छाव लेना चाहता था और वहां वहीं पे वो खेलना चाहता था। फिर क्वेश्चन नंबर D में हम जाते हैं। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। सो दिस बॉक्स इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑपोजिट्स ऑफ दिस। लिटल मीन्स छोटा, बिग बड़ा, हैप्पी खुश, सैड दुखी, लाफ हंसना, क्राई रोना, डे दिन, नाइट रात, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, अंडर नीचे, अबाव ऊपर, सिट बैठना, स्टैंड मतलब उठना। अगेन आई एम रिपीटिंग, लिटल बिग, happy, sad, laugh, cry, day, night, long, short, under, above, sit, stand. Now we are going through page number 7, fun with colors. What is the color of the happy child's house? कौन सा color था? Red. What is the color of your house? आपके घर का color कौन सा है? You have to write down here. What is the color of the tree? Green. What is the color of the sun? Yellow. Is there a tree growing near your house? क्या आपके घर के पास कोई tree है? Tell us about the tree. Is it big or small? It is big. Do you like the tree? Yes. What is the name of the tree? It is a mango tree. There are many kinds of houses. Circle the one you have seen. जो आपने देखे हैं उसके ऊपर आपको सर्कल लगाना है। हर्ट देखा है तो हर्ट पर, इग्लू देखा है तो इग्लू पे, फ्लैट देखा है तो फ्लैट पे, बंगलो देखा है तो बंगलो पे। Now here is activity. Draw your house here and talk about it. We have to draw your house here. Now, these two faces are given, happy face and sad face.
When you get a new dress, which type of face you will do? Happy. When you get hurt, sad. जब आपको चोट लगती है तब sad. When you share your things, जब आप अपनी चीजें को बांटते हो, happy. When you are ill, जब आपको बुखार होता है तब sad face. Draw lines from the house in the to the people who live in your home. जो जो आपके घर पे रहते हैं वो आपको लाइन ड्रॉ करनी है. टोटल कितने लोग हुए वो काउंट करके यहाँ रखना है. 6 पीपल लिव इन माई हाउस. फिर पेज नंबर 9, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ अ कैट, अ काउ, अ डॉग एंड अ शिप फ्रॉम ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर एंड पेस्ट देम बिलो. यहाँ आपको कैट, काउ, डॉग और शिप चार के पिक्चर्स कलेक्ट करके यहाँ पे लगाने हैं. और यहाँ क्या है, डॉटेड लाइन्स, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स. जो डॉटेड लाइन्स है उसे आपको ट्रेस करनी है और मंकीज की टेल जो है वो कंप्लीट करनी है. द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज. ये सब एनिमल्स जो है वो अपनी बेबीज को खो चुके हैं, मीन्स गुम हो गए. तो आपको मेज को ट्रेस करके हरेक एनिमल्स को अपने बेबीज तक पहुंचाना है. देखिए जैसे कि यहाँ पे है किचन है, ओके, तो कैट कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे मेज स्टार्ट किया गया है कैट तक पहुंचाने का, ओके, तो कैट तक पहुंच गई. इसी तरह से आपको पपी, डॉग के बेबी को काफ यानी काउ के बेबी को, कैटरपिलर बटरफ्लाई के बेबी को, कंगारू, जॉयस, लायन कब एंड डक डकलिंग, मीन्स इन हर एक के बेबी को उसके एनिमल्स तक पहुंचाना है. सो स्टूडेंट्स, हियर अवर यूनिट 1 चैप्टर 1 इज ओवर. कंप्लीट इन योर वर्क बुक. थैंक यू.